चलो दोस्तों चलते हैं अब बावली कुआं की ओर। और ये यहाँ पर टिकट देख रहे हैं, शायद पंच करके देंगे ये दोस्तों। और चलते हैं आगे की ओर। कुआं है ये जी, आप अच्छा। यहाँ से देख रहे हैं तो आपको यहाँ से डायरेक्ट टेरेस दिखाई दे रहा है, छत दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है। हाँ। तो आपको लग रहा है ये बिल्डिंग बहुत छोटा है। अभी जब हम अंदर जाएंगे ये बिल्डिंग के अंदर आप घूमते ही रह जाएंगे। ये जो गेट के अंदर आपको गंदा पानी दिख रहा है, इसकी क्या कला है ये भी अभी हम आपको दिखाएंगे। सुना है दोस्तों इस कुएं में फेंके जाने वाले खजाने का नक्शा और चाबी है। चलो दोस्तों आज ढूंढते हैं, अगर मिल जाए तो किसी को बताना नहीं, सब लोग आता है हिस्सा कर लेंगे। दोस्तों मैं हल्के हल्के बोल रहा हूँ ताकि कोई सुने ना, और आप लोग बताना मत किसी को। खजाना मिलते ही बता दो। आप इस बिल्डिंग के जिस भी कोने में जाएंगे आपको यही लगेगा कि अभी हम यहाँ यहीं पर थे, यहीं पर खड़े हुए थे। जैसे ये अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पे आपको सीढ़ी दिख रही है। अभी आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेम पोजीशन आपको आगे भी दिखेगी। इस कुएं का निर्माण दोस्तों पानी के उपयोग के लिए किया गया था। इसका निर्माण 1784 से 1794 के बीच हुआ है, मतलब आसपास हुआ है। देखिए भाई, जो अभी हमने आपको गंदे पानी के अंदर हमने कहा था इसमें क्या कला है हम आपको दिखाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं एक एक आने वाले अंदर आने वाला आदमी कौन कैसे कलर के कपड़े पहने हुए हैं वो आप यहाँ से पानी में देख सकते हैं, लेकिन आपको बाहर कोई नहीं देख सकता, पानी में आप देख सकते हैं। ये है उस ज़माने का CCTV कैमरा। पहले नवाब साहब पानी तो नीचे है, वो वहाँ कैसे दिख रहा है? वो गेट पर, गेट का जो है वो आपको पानी में दिख रहा है। ठीक है, पहले उस टाइम का CCTV कैमरा दिख कैसे रहा? वही तो कह रहा हूँ, पानी नीचे है उधर थोड़ी ना, तो वो कुछ लगा होगा ना भाई, ऐसे एंगल बना हुआ ना, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। जब वहाँ से कोई भी नीचे अंदर आता है तो वो यहाँ पर दिखता है जी। तो ऐसे ही पहले के टाइम पे अंग्रेज़ की वर्दी जो है वो लाल होती थी, नवाब साहब की सैनिक की वर्दी जो है काली होती थी, और इस वजह से वो पानी में देख कर पहचानते थे। अगर कोई काली वर्दी वाला आता था उसका स्वागत तीर मार दिया जाता था, जहाँ से तीर मारा जाता था वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप किसी को भी देख सकते हैं लेकिन आपको वहाँ से कोई नहीं देख सकता है। जो भी बाहर से देखेगा उसको सिर्फ टेरेस और छत दिखाई देगा। ठीक है, आइए 15 सीढ़ी 1500 बिल्डिंग को बनाने के लिए पानी के लिए खोदा गया था। बिल्डिंग को बनाने के लिए पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए थी, जो जिसके लिए थोड़ा पानी बहुत कम था, इस वजह से इस कुएं को खोदा गया था। इस कुएं का राज ये कि जो नवाब साहब के जो सेनापति थे जिनका नाम था मेवालाल रस्तोगी, उनके पास यहाँ के खजाने का नक्शा था। अंग्रेज़ों ने उनसे नक्शा मांगा तो उन्होंने कहा हम तुम्हें नहीं देंगे। अंग्रेज़ों ने कहा अगर तुम हमें नक्शा नहीं दोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने कहा अगर हम तुम्हें नक्शा देंगे तो भी तुम हमें मार दोगे, अगर हम तुम्हें नक्शा नहीं देंगे तो भी तुम हमें जान से मार दोगे। इस वजह से वो खजाने की नक्शा लेकर इस कुएं में फांद गए। उसके बाद बहुत कई अंग्रेज़ी सेनाएं गईं इस नक्शे को ढूंढने के लिए, लेकिन जो आज तक इस कुएं में गया कोई आज तक वापस नहीं आया। ये कुआ गोमती नदी से अटैच है, वहाँ पानी बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ जाता है, वहाँ पानी कम होता है तो यहाँ सूख जाता है जी, वहाँ पानी कम होता है तो यहाँ सूख जाता है जी।